नमस्ते किसान भाइयों, ऑर्गेनिक किसान यूट्यूब में आपका स्वागत, मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको जो भी नींबू किन्नू के जो पेड़ हैं उनके छोटे पौधा रोपण या कलम रोपण करने की विधि दिखाने जा रहा हूँ। वो विधि आराम से देखिए। पहले इस टाइप से बड़ा कोई पेड़ है उसकी टहनी लीजिए। टहनी लेने के बाद इस पेड़ को यहाँ से बराबर मात्रा में ऐसे काटिए। ऐसा काटने के बाद इसका एक कट यहाँ पे लगाइए। ये फर्स्ट में एक ये कलम बन गई, फिर सेकंड एक कट यहाँ पे लगाइए, ये दूसरी कलम बन गई। और इन पौधों को यहाँ से काट दीजिए, एक दो और तीसरी कलम ये बन गई। ये तीन कलम हम लेते हैं। इन तीनों कलमों को लेकर अब इसका है इस पर हल्का सा कट लगा दें, फुल कर दे। ये हल्का कट लगा दिया। अब इसको धीरे धीरे ऊपर की जो परत है उसको हटाते हैं। ये परत से आराम से जो ऊपर की परत है नोक से नीडल होल्डर की नोक से पूरी परत को धीरे धीरे आराम से इस तरह से पूरी को नीचे से फ्री कर देते हैं। इसी तरह इन तीनों टहनियों की नीचे से कट लगाते हैं। इनको नीचे से हटाने के बाद जो ऊपर की कलम का जो मुंह होता है इसके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी को अच्छी तरह से लपेट के और इसका ऊपर से मुंह है वो क्लोज कर देते हैं। अच्छी तरह से क्लोज करके और इसको बांध देते हैं। ये ऊपर से क्लोज हो गया। ये तीनों चार टहनियाँ हैं इनके ऊपर से मुंह क्लोज कर दिया। अब उसके बाद सबसे पहले शहद लेते हैं।
जो शहद है इसको अच्छी तरह से लगा के, और ये जो कलम है इनका जो नीचे के हिस्सा है इनके अच्छी तरह से हाथ से छिल्ला हुआ जो हिस्सा है नीचे का उन पे अच्छी तरह से ये शहद का लेप कर देते हैं। इस तरीके से सारी टहनियों पे नीचे शहद का लेप कर दिया। ये शहद लगा दिया है। शहद लगाने के बाद ये गिलास लेते हैं और इस तरीके से पानी लेते हैं, इनमें पानी का स्प्रे करते हैं अच्छी तरह से। ऐसे पानी डाल दिया इसमें, क्लोज कर दे। ये पानी डाल दिया गया। अब पानी डालने के बाद जो केंचुए की खाद है उसको ऊपर डालते हैं इसके। ये केंचुए की खाद डाल दी। केंचुए की खाद डालने के बाद इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा कोकोनट का जो बुरादा है वो लेते हैं, और ये बुरादा ऊपर डाल दिया गया है। बुरादा डाल के इसमें फिर से थोड़ा पानी का स्प्रे करते हैं। ये पानी का स्प्रे करने के बाद ऊपर थोड़ी केंचुए खाद और डाल देते हैं, और खाद डालने के बाद ये जितनी टहनियाँ हैं उतनी मोटा कोई प्लास्टिक का या कोई लकड़ी का लेते हैं और वो इसके अंदर इस तरीके से छेद कर देते हैं। ये इसके अंदर अच्छी तरह से छेद हो गया। अब इस छेद के अंदर पहले एक टहनी को अंदर सेट करते हैं। ये अंदर सेट कर दी। सेट करने के बाद इसमें थोड़ी खाद और डाल देते हैं ऊपर से कर दे। को ये पन्नी की थैली लेते हैं प्लास्टिक की, उनके अंदर सेट करते हैं एक एक को करके। ये तीनों गिलास सेट हो गए। सेट करने के बाद इसको अच्छी तरह से ऊपर से मुंह है वो लपेट के बांध देते हैं। इसको अच्छी तरह से मुंह बांध के इसको छोड़ देते हैं। देखते हैं 5-7 रोज बाद आगे की क्या प्रक्रिया होती है। 5 दिन के बाद अब इन पौधों को अलग निकालते हैं और इनमें देखते हैं। तीनों पौधे हैं जो 5 दिन के बाद ये अलग अलग अंकुरित हो गए हैं। 5 दिन बाद इनके अंदर ये देखो पत्तियां हैं, ये सामने तैयार होने लग गई हैं, और ये इसके भी हल्के सी ये टहनी पे ये पत्ती आ गई हैं, और ये पौधा है बहुत शानदार तैयार हो रहा है। ये देखो इस पे ये कली आई हुई है। अब इनको कम से कम 5 या 7 रोज़ रात को बाहर और दिन में हल्की धूप दिखाई दे वहाँ पे इन तीनों पौधों को रखेंगे, और 5 दिन बाद इन पौधों को
बड़ा जो गमला होता है उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, और शिफ्ट करने के बाद डायरेक्ट ग्रीन ऊपर जाली लगा के और उसमें धूप के अंदर इनको रख सकते हैं। उसके बाद इनकी टहनियाँ हैं वो फुर अंकुरित होती हुई पौधा ऊपर बढ़ने लग जाएगा। ये प्रैक्टिकल आज हमारा सक्सेसफुल हुआ है हमारे ऑर्गेनिक किसान यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर इस प्रकार की वीडियो और देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।